अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों पर रूस का जोरदार पलटवार। प्रतिबंध हटाने के लिए नहीं कहेगा रूस, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 19वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है, जमीन और आसमान से लगातार हमले हो रहे हैं। न पुतिन रुकने के लिए तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की हार मानने के लिए। इस युद्ध में दोनों देशों को जान माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले का 19वां दिन। यूक्रेन पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही। पिछले 18 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें रूसी ड्रोन विमान यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करते दिख रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद इस इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ और आसमान में धुआं ही धुआं छा गया। ये यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी सेना के हमले की तस्वीरें हैं। खार्किव में रूसी सेना ने रात भर यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट दागे और उन्हें तबाह कर दिया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्क में भी जबरदस्त बमबारी की और यूक्रेनी सेना की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद मार गिराया। यूक्रेन की राजधानी कीव की इन तस्वीरों को देखिए। रूस के हवाई हमलों के बाद कीव का फूड डिपो तहल उठा है। रूसी बमबारी के बाद धुएं की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। रूसी मिसाइल हमले में डिपो बर्बाद हो गया। दमकल कर्मी जब तक यहां की आग बुझा पाते, तब तक ये खंडहर में तब्दील हो चुका था। देखिए कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के इरपिन शहर की हैं। रूसी सैनिकों ने बमबारी कर यहाँ की सड़कों और पुल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। गाड़ियों की हालत देखिए, रूसी बमबारी में कारों का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। रूसी हमलों के बीच डर के माहौल में इरपिन से लोगों का पलायन भी जारी है। यूक्रेन के यवोरियो शहर में भी रूसी हमलों के बाद तबाही मची है। रूस ने यहां कई इमारतों को निशाना बनाया और लगातार हवाई हमले किए, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए। चारों तरफ मलबा फैल गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रूसी हवाई हमले के बाद आसमान में काला धुआं ही नजर आ रहा है। वहीं यावोरियो शहर में ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर बमबारी की, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।